नमस्कार सतना से आज बड़ी खबर। एक डॉक्टर ने कुत्ते के साथ अपनी प्रेमिका की ही हत्या कर दी। बिल्कुल सही सुना आपने, डॉक्टर ने कुत्ते के साथ अपनी प्रेमिका की भी हत्या कर दी। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि अपने अवैध संबंधों को छिपाने के लिए डॉक्टर ने क्लिनिक में ही अपने असिस्टेंट की हत्या कर दी और उसके बाद कुत्ते को उसके ऊपर से मार के दफना दिया। यह पूरी घटना सतना के धवारी मोहल्ला में है और अपने संबंधों को छिपाने के लिए एक डेंटिस्ट ने अपनी यह पूरी घटना धवारी मोहल्ले की है, जिसमें एक डेंटिस्ट डॉक्टर ने अपने ही असिस्टेंट की हत्या कर दी और उसके शव को दो दिनों तक अपनी क्लिनिक में रखा और बाद में मजदूरों की सहायता से गड्ढा खुदवा कर उसको दफना दिया। लेकिन शातिर डॉक्टर ने अपनी एक और चाल खेली, उसने उसको दफनाने के बाद एक कुत्ते को भी मारा और प्रेमिका के शव के ऊपर ही उस कुत्ते को भी दफना दिया, ताकि यदि किसी प्रकार की सड़ने की दुर्गंध आए तो लोग कुत्ता समझें और भूल जाएं। जब परिजनों ने कई दिनों तक अपनी बेटी को घर नहीं पाया तो उन्होंने 1 फरवरी को 23 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी डेंटिस्ट डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी कई दिनों तक पुलिस को चकमा देता रहा, मगर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि युवती शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिसके कारण मैंने उसकी हत्या की है। डॉक्टर के शव के साथ एक मृत कुत्ते को भी दफनाया गया था। जब पुलिस ने वहां पर खुदाई शुरू की तो कुत्ता और उसके बाद बोरी में मृतिका की लाश मिली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 302 और हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए धारा 201 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में अभी कई परतें खुलनी बाकी है। लोगों का कहना है कि अभी इस पूरे घटनाक्रम में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यह वारदात की गई है वह किसी एक अकेले का काम नहीं लगता है। अब देखना होगा पुलिस को कब तक अन्य बिंदुओं पर सफलता मिलती है। न्यूज अब तक के लिए वरुण शर्मा की रिपोर्ट। काम करती थी 14 दिसंबर से वो अपने घर नहीं गई। उसके घर वाले आके डॉक्टर से पूछते थे तो वो उनको बहानेबाजी करके बता देता था कि लड़की दूसरे जगह काम करने लगी है और 2-3 दिन में आ जाएगी। बार बार जो आके इससे पूछते थे हमको बुलवा दो, तो इसे किसी न किसी बहाने से वो टका देता था। तो घर वालों को ये था कि शायद ये अन्य तकनीक काम करने लगी है। 1 फरवरी को इनने जाके थाने में रिपोर्ट किया, जिस पर से गुम इंसान कायम करके उसकी जाँच PI कोतवाली द्वारा की गई। जांच के दौरान इससे पूछताछ की गई, शुरुआत में तो इनकार करता रहा लेकिन काफ़ी पूछताछ के बाद इसने उसको बोला और उसकी हत्या करना बताया है। जिस पर से हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और आरोपी के मेमोरेंडम से बरामद अपने कार्यपालिक दंडाधिकारी की उपस्थित में सौ बरामद किया जा रहा है। प्रेम प्रसंग सामने आ रहा है। हाँ, इसमें ये आरोपी ने इस चीज़ को स्वीकार किया है। यदि आप सतना जैसे शहर में अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना चाहते हैं, जिसकी सुविधाएं भी आधुनिक और विश्व स्तरीय हों, तो अब विकल्प के रूप में सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल सतना में आ चुका है। हालांकि इसको आए 1 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कोरोना काल के कारण अस्तित्व में अब सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल सतना आ चुका है। हम बता दें कि भरूत नगर में यह स्कूल स्थित है और सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल एक स्कूलिंग की बड़ी चैन है, जिसको कई इंटरनेशनल अवार्ड और नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। भारत के कई बड़े शहरों में यह स्कूल स्थापित है, जिसमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट,
लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर सहित देश के अन्य राज्यों में भी यह स्कूल स्थापित है। सतना के लिए गर्व की बात है कि अब सतना में भी यह स्कूल स्थापित हो चुका है और वहाँ भी बड़े शहरों की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम बता दें कि अभी हाल में ही सतना में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए दिल्ली की संस्था द्वारा सर्वे में सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल सतना को नंबर एक रैंकिंग दी गई है। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, वीडियो में हम भी बीच में दिखा भी रहे हैं कि वहाँ पर एडमिशन शुरू हैं और एक ब्रांडेड स्कूल के साथ आप जुड़ सकते हैं और अपने बच्चे को दाखिला दिला सकते हैं।